नमस्कार, आप सभी को जय श्री कृष्ण। महाप्रलय के 120 दिन, जी हाँ, ये बात हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, हम ये बात भविष्य मालिका के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि भविष्य मालिका में एक ऐसी भविष्यवाणी की गई है जिसमें बताया गया है कि 2023-2024 के बीच का जो समय होने वाला है, यानी कि जब 2023 समाप्त हो रहा होगा और 2024 आ रहा होगा, तो उस समाप्ति काल और प्रारंभ काल में 120 दिन ऐसे होंगे, भविष्य मालिका में कहा गया है कि वो समय महाप्रलय वाला समय रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान इतनी सारी आपदाएं आएंगी जिसकी कल्पना अब तक हमने नहीं की थी। जैसे आपने ही अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी अनुभव किया होगा तो देखा होगा कि समय पर बरसात होती थी, समय पर ग्रीष्म ऋतु आती थी, समय पर वसंत ऋतु आती थी, समय पर ही हम देखते थे कि शरद ऋतु आती थी। तो पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि प्रकृति का यह जो चक्र है पूर्णतया बदल गया है, यानी कि ऐसा हो रहा है कि जहां पर वर्षात नहीं आनी है वहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, लगातार वहां पर जल प्रलय आ रहे हैं, जहां पर सूखा नहीं होना चाहिए वहां पर लगातार सूर्य देव का ताप पड़ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सूखा पड़ रहा है। तो ये जो काल बताया गया है, ये जो समय बताया गया है, ये वही संकेत करता है कि ये जो 120 दिन है ये कितने भयानक रहने वाले हैं। तो अब हमें ये समझना होगा कि आखिर इन समयों में क्या होने वाला है, क्या ऐसा घटने वाला है जिसके विषय में मुझे लगता है कि भविष्य मालिका में सांकेतिक रूप से बताया गया है। देखिए, भविष्य मालिका में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सांकेतिक रूप से ही लिखी गई हैं, जैसा कि हमने आपको बहुत से वीडियो में भी बताया है कि उसमें जो बातें लिखी गई हैं विस्तृत रूप से नहीं है, वो सांकेतिक रूप से लिखी गई है। तो जब हमने इसका अध्ययन किया तो ये समझ में आया कि इन 120 दिनों में बहुत ही भयानक घटनाएं घटने वाली हैं। सबसे बड़ी घटना जो इस दौरान घटने वाली है वो ये है कि सूर्य के ऊपर बहुत सारे धमाके होने वाले हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि पूरे प्रकृति में असंतुलन हो जाएगा, यानी कि जो ये प्रकृति है वो असंतुलित हो जाएगी, सामान्य नहीं रह जाएगी। हम देखेंगे कि शरद ऋतु में भी भयंकर गर्मी आ रही है, शरद ऋतु में भी भयंकर बरसात आ रही है। देखिए, जो बात हम आपको बता रहे हैं ये संभावित बातें हैं जो भविष्य मालिका में कही गई है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये होना ही होना है। देखिए, भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणी की गई है अब तक वो सच सिद्ध हुई है, तो ये संभावित बातें उसमें कही गई हैं कि प्रकृति में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, मनुष्यता के लिए ये समय बहुत ही भयानक रहने वाला है। और एक संकेत हमने आपको दिया था पिछले कुछ वीडियो में भी, उसको लेकर हमने बातें की थी कि जो बिजली कटने वाली बात हमने की थी कि 7 दिन जो है विद्युत ऊर्जा नहीं रहने वाली है, वो यहीं पर घटना वो घटने वाली है। यही वो 120 दिन है जहां पर विद्युत पूर्णता समाप्त हो जाएगा, जितने भी आधुनिक यंत्र हैं वो कार्य नहीं करेंगे और हम जो है पूर्णतः देश और दुनिया से कट जाएंगे। हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है, हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो देखिए, यही 120 दिन बहुत ही भयानक रहने वाले हैं, और इसकी शुरुआत हम कहें या फिर ये कहें कि ये प्रारंभ भी हो चुका है। देखिए, अभी अभी हाल ही में आपने देखा कि मोरक्को में किस प्रकार से, मोरक्को नामक एक राष्ट्र है जिसमें भयानक भूकंप आया, उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई, और भी कई अन्य राष्ट्रों में जल प्रलय आया जहां पर केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। उसमें जो आधुनिक जो वाहन होते हैं आप देखिए, वो जिस प्रकार से बच्चे क्रीड़ा करते हैं खिलौनों से, उस प्रकार से उसमें तैर रहे थे। तो आप इसी से कल्पना कीजिए कि आखिर वो कितना भयानक था, कि वो जल प्रलय इतना भयानक था कि जिसमें जो आधुनिक यंत्र बड़े बड़े हैं वो सामान्य लगने लगे थे। यदि हम अपने राष्ट्र की बात करें तो उत्तराखंड की त्रासदी देखिए, अभी वर्तमान में हम देखें तो उत्तराखंड में बड़े स्तर पर पहाड़ खिसके हुए हैं, बड़े स्तर पर मार्ग बंद हो चुके हैं, जिसमें बद्रीनाथ जो जाने वाला मार्ग था वो भी बंद हो गया। तो 120 दिन की जो भविष्यवाणी वाली बात वहां पर कही गई है और वो जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अब प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार भूकंप आ रहे हैं, और हमारे राष्ट्र में यदि बात करें तो लगातार जल प्रलय का आना, लगातार कहीं ना कहीं जो मार्ग है पहाड़ों में जाने वाला वो बंद हो जाना, और अन्य राष्ट्रों की बात करें तो उसमें भूकंप में हजारों लोगों का मरना और उसके बाद जल प्रलय का आना। तो जो 120 दिनों की बात कही गई है वो मुझे लगता है कि ये सत्य है, इससे हम कहीं ना कहीं पूर्णतया जो है इसे खारिज नहीं कर सकते कि ये असत्य है।
तो हम ये कहें कि 120 दिन की प्रक्रिया तो अभी शुरू ही हुई है, अभी तो आने वाला समय बहुत ही भयानक होने वाला है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे इस वर्ष का अंत होगा वैसे वैसे ये प्रक्रिया और बढ़ती चली जाएगी, यानी कि ये जो भयानक आपदाएं हैं ये और बढ़ते चले जाएंगे। अब कई लोग ये कहेंगे कि आप हमें ये क्यों बता रहे हैं, क्या आप हमें भयभीत करना चाहते हैं। देखिए, ये जो बातें हम आपके समक्ष रख रहे हैं, जितनी भी बातें अब तक हमने रखी हैं, जो घटनाएं घटने वाली हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य आपको जागरूक करना है, ताकि आप जागरूक हों और ये समझें कि इन आपदाओं से आप स्वयं को कैसे बचा सकते हैं, इन आपदाओं से हम कैसे निकल सकते हैं, इन आपदाओं से हम अपने परिवार और अपने समाज की कैसे रक्षा कर सकते हैं। तो कई वीडियो में मैंने चर्चा भी की है कि भविष्य मालिका में भी इसका उपाय बताया गया है कि आखिर कैसे हम इन आपदाओं से बच सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि हमें भगवान के शरण में जाना होगा, हमें परमात्मा की भक्ति करनी होगी। देखिए, भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से हम इन आपदाओं से बच सकते हैं। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि भक्ति के माध्यम से लोग बचेंगे। आप पूर्व काल में देखिए कि बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जैसे भक्त प्रहलाद हुए, भक्त मीरा हुई, और भी बहुत सारे हमारे पौराणिक काल में भक्त हुए जिन्होंने भक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया, जिन्होंने भक्ति के माध्यम से सृष्टि चक्र तक को बदल दिया। जैसे एक ध्रुव जी की कथा आती है कि कहते हैं कि उन्होंने इतनी भक्ति की कि केवल 6 माह में ही उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और कहते हैं कि भगवान ने, परमात्मा ने उन्हें एक लोक ही दे दिया जिसे आज ध्रुव लोक के नाम से जाना जाता है। तो ये पूर्व काल में बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी है, और भविष्य मालिका में भी यही बात है कि भक्ति ही एकमात्र सहारा, भक्ति ही एकमात्र मार्ग है जिसके माध्यम से हम इन सभी चीजों से निकल सकते हैं। तो बहुत ही सरल मार्ग है, हमें करना भी चाहिए, और बचने का एकमात्र उपाय यही है कि जो महा आपदा आएगा, जो महाप्रलय आएगा, उससे बचने का एकमात्र उपाय कुछ है तो वो भक्ति है। और जो लोग ये नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही पापी हैं, कहीं ना कहीं वो मूर्ख भी हैं, और वही भयभीत होंगे जिनके मन में पाप है, और जिन्होंने पाप किए हैं, ऐसे पाप किए हैं जिसके कारण इस सृष्टि चक्र में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया, उन्होंने इस सृष्टि चक्र को बदलने का प्रयास किया, वो लोग इस सृष्टि चक्र के विपरीत जाने का उन्होंने प्रयास किया, वही डरने वाले हैं और उन्हें ही दंड मिलने वाला है। देखिए, ये दंड की प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं ये सिद्ध करेगी कि जो पापी हैं, जो कलयुग में कली के साथ हैं, अर्थात कली राक्षस के साथ हैं, उन्हें भयानक दंड मिलेगा। और यही 120 दिन है जो भयानक दंड के समय रहने वाले हैं, और जो पुण्य आत्माएं हैं उन्हें भजन करना है, उन्हें ध्यान करना है कि उन्हें समझ में आए कि आने वाला समय क्या है और वो कैसे बचें और परमात्मा तक पहुंचने का वो सरल मार्ग कैसे मिल सकता है। तो इसका एकमात्र समाधान है कि हम भजन करें, भक्ति करें, साधना करें, ध्यान करें, तभी कहीं ना कहीं हमें वो मार्ग दिखेगा, हमें वो मार्ग मिलेगा जहां हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। देखिए, परमात्मा तक पहुंचने का भी एक अपना मार्ग है, एक अपना नियम है जिसका पालन करना ही होगा। तो यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपको वो मार्ग भी बताएंगे कि कैसे हम ध्यान के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि भविष्य मालिका में जो बातें कही गई हैं वो बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही गहरी बातें हैं जो सामान्य जन नहीं समझ सकते हैं। उसे समझने के लिए किसी विद्वान पुरुष की आवश्यकता होगी जो उसे समझ सके, जो उन बातों को समझ सके जो रहस्यमयी प्रकार से वहां पर लिखी गई हैं। तो इसीलिए वो प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे कि कैसे हम ध्यान मार्ग पर चलें, कैसे हम परमात्मा तक पहुंचते हैं, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की विधि क्या है, वो भी आगे हम आपको बताएंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया आपको सिखाएंगे। तो इसीलिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि 120 दिन की जो महाप्रलय आने वाली है, 120 दिन में जो महाप्रलय घटने वाला है, आखिर वो क्या है, इससे बच कैसे सकते हैं, और ये प्रक्रिया कैसे अब प्रारंभ हो चुकी है, कैसे ये महाप्रलय आने वाला है। हम जुड़ते हैं अति शीघ्र किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई हैरान कर देने वाली कथा के साथ। तब तक यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां अब आपके समक्ष आने वाली हैं। हम एक पूरी श्रृंखला लेकर आ रहे हैं जिसमें हम भविष्य मालिका समेत जो भी घटनाएं घटने वाली हैं उसके विषय में हम आपको जागरूक करेंगे, आपको सजग करेंगे, आपको बताएंगे, ताकि आप बच सकें, अपने परिवार को बचा सकें, अपने समाज को बचा सकें, और जो भी पुण्य आत्मा है वो बच सकें और आगे सृष्टि आगे चल सके, जो सतयुग आने वाला है उसमें हम प्रवेश कर सकें। हम जुड़ते हैं अतिशीघ्र, तब तक भजन करते रहिए, सेवा का कार्य करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।